पांच इंटरनेशनल डिजाइनर लॉबीज रहेंगी, यानी पांचों टावरों की अलग अलग लॉबीज रहेंगी अच्छे लेवल की। पांच क्लब्स रहेंगे आपके, फाइव के आपके फुल रहने वाले हैं, 5 acres ग्रीन एरिया। फैमिली पूल के लिए, लो डेप्थ पूल और किड्स के लिए पार्टी डेप पूल रहेगा इसके अंदर, और फिर इंडोर पूल रहेगा ऑल वेदर्स के लिए। ये पांच तरीके के क्लब हाउस रहेगी आपकी। सोशल क्लब रहेगा उसके अंदर, वेलनेस क्लब रहेगा, स्पोर्ट्स क्लब रहेगा, किड्स क्लब रहेगा और स्काई। ये टेरेस के ऊपर 37 जो स्टोरी है उसके ऊपर ये क्लब क्रिएट किया गया है। इसके अंदर आपका यहाँ पे मिलेगी 12.5। अभी तक 12.5 फीट के पूरे गुड़गांव के अंदर किसी के अंदर नहीं खरीद रहा हूँ। उसके लिए फिर वो जो प्रीमियम है वो आज ही मिलता है, और उसके लिए जो जो उस टाइम खरीदेगा इस रेट पे वो बाद में एग्जिट हो सकता है, उसको बहुत लंबी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट है उसे लिएगा। और दूसरा है वो ट्रेड करेगा सॉफ्ट लॉन्चिंग का 20,000 से लेके 22,000 का पहला प्रोजेक्ट जो आएगा, उसके बाद एक प्रोजेक्ट और आएगा उसका ट्रेड रहेगा, उसकी कोटिंग हो रही है ये 23 से। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल को लेकर। चीजें समझी थी, लोकेशन हमने समझ ली, हमने साइट को समझा, हमने Q&A किया था, क्वेश्चन एंड आंसर हम सेशन कर चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजों को सर्च कर चुके हैं, सब कुछ ओके हुआ हमारा, कस्टमर एग्री भी हुए थे, सारी चीजें अब भी हो रही है, लेकिन अभी डिटेल आ गई है। डिटेल मिलती जुलती है एक्चुअल नहीं, ठीक है, वो हम समझेंगे स्क्रीन के ऊपर कि प्रोजेक्ट किस टाइप का दिखने वाला है, किस हिसाब की चीजें मिलने वाली है, वो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एलईडी स्क्रीन के ऊपर, और साथ में समझेंगे इसके पेमेंट प्लान को भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि वो किस हिसाब से चीजें मिलेंगी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर हम प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं। प्रोजेक्ट है वो है अल्ट्रा लग्जूरियस होम, यानी ये पड़ता है बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस वे पे, अल्ट्रा लग्जरी के अंदर ये प्रोजेक्ट है वो आने वाला है। इसके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 5 रेजिडेंशियल टावर आएंगे, जिसमें से 4 रहेंगे नॉर्मल रेजिडेंशियल के, 1 टावर रहेगा आइकोनिक टावर जो की बाद में लॉन्च करेंगे हाई रेट के अंदर। उसके बाद इसमें फ्लैट के अंदर टोटल 37 स्टोरी अपार्टमेंट है, फ्लोर्स है, सॉरी 37 स्टोरी है, 10 स्क्वायर फीट क्लब हाउस है, 80% इसके अंदर है वो ग्रीन एरिया है, ठीक है। तो ग्रीन एरिया मीन्स की टोटल जो प्रोजेक्ट है उसका 5 acres का जो स्पेस आता है वो ग्रीन एरिया है। कुछ इस तरीके की डिजाइन होगी, ये एक्चुअल नहीं है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे वो करेंगे, जैसे कि आपका जिम का हो गया, आपका ये होम थिएटर्स हो गया, क्लब्स की हो गई, आपकी सन डेस्क कुछ इस तरीके का आपको टावर के ऊपर मिलेगा, जो ये जो व्यू है ये आपका टेरेस के ऊपर। 5 टावर्स 5 इंटरनेशनल डिजाइनर लॉबीज रहेगी, यानी 5 टावरों की अलग अलग लॉबीज रहेगी अच्छे लेवल की। 5 क्लब्स रहेंगे आपके, 5 के आपके फुल रहने वाले हैं, 5 acres ग्रीन एरिया, ये इसके अंदर काफी अच्छी चीजें हैं, जिसमें 5 acres टोटल क्लब आपका ग्रीन एरिया है, क्लब 5 है, 5 स्विमिंग पूल है, और 5 ही तरीके की आपकी जो लॉबीज है वो डिजाइन किए जाएंगे। उसके बाद अगर पूल की बात करें हम, फैमिली पूल के लिए, लो डेप पूल और किड्स के लिए पार्टी डेप पूल रहेगा इसके अंदर, और फिर इंडोर पूल रहेगा ऑल वेदर्स के लिए। ये 5 तरीके के इसके अंदर स्विमिंग पूल रहने वाले हैं। उसके बाद 5 क्लब हाउस रहेगी आपकी, सोशल क्लब रहेगा उसके अंदर, वेलनेस क्लब रहेगा, स्पोर्ट्स क्लब रहेगा, किड्स क्लब रहेगा और स्काई। ये टेरेस के बिल्कुल छत के ऊपर होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जितने भी 5 तरीके की क्लब है सब के अंदर सोशल है तो सोशल टाइप की चीजें रहेंगी, वेलनेस है तो वेलनेस टाइप की, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स टाइप की, तो सब में अलग अलग जो एक्टिविटीज है वो रहने वाली है। उसके बाद ये जो एंट्रेंस है, जैसे कि ये एक डमी पिक्चर है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आने वाली है, ये कुछ क्लब का एंट्रेंस कुछ ऐसे डिजाइन होगा, ठीक है। ये आपका मेन टावर की 3 हाइट लॉबीज रहने वाली है टावर की, तो बहुत प्रीमियम चीजें बनाएंगे, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो ये थोड़ी सी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद है स्काई क्लब। स्काई क्लब के अंदर क्या है, सन बाथिंग छत के ऊपर, योगा लॉन छत के ऊपर, और ये है बारबेक्यू लॉन,
यानी आप कुछ पका के खाना चाहते हैं उस टाइप की चीजें हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। ये है स्काई क्लब। स्काई क्लब का यानी जो एक टावर है 37 स्टोरी। एक्चुअल में टावर का जो व्यू है ऐसे नहीं रहने वाला, ये जस्ट इमेज क्रिएट की गई है इस लोन को दिखाने के लिए, जो ये क्लब है इसको दिखाने के लिए। टावर वगैरह ऐसे नहीं आते, ठीक है, उनका डिजाइन और भी प्रीमियम हो दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसके अंदर जो क्लब रहेगा छत के, यानी 37 जो स्टोरी है उसके ऊपर ये क्लब क्रिएट किया गया है। इसके अंदर आपका ये बारबिक लोन रहेगा, योगा लोन रहेगा वो इसके ऊपर ही रहने वाला है, और उसके बाद सन बाथिक जो डेस्क रहेगा आपका ये रहेगा। यहाँ से दूर दूर तक आपको बिल्डिंग है, यानी जब आप इसमें टहल रहे होंगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ स्टार और मून दिखेगा रात के टाइम। दिन में अगर आप दिन में तो वैसे भी जो भी आगे करोगे तो मोस्टली सन आपको तो सन के लिए रहेगा। ये रहेगी ट्रिपल हाइट इंट्रेंस लॉबी, जो आपकी टावर की जो लॉबी रहेगी वो रहेगी ट्रिपल हाइट की। इसमें ना पोडियम कार पार्किंग सिस्टम भी है, यानी पोडियम कंसेप्ट भी इसके अंदर आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रिपल एंट्रेंस लॉबी रहेगी इसके अंदर। उसके बाद आपका अगर देखेंगे तो लिफ्ट का, जो टावर की लिफ्ट का टोटल 5 लिफ्ट का कंसेप्ट इसके अंदर ही आपको मिलता है। उसके बाद अगर आपका स्पीशियस रेजिडेंशियल विद 12.5 फीट की हाई सीलिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी 12.5। अभी तक 12.5 फीट के पूरे गुड़गांव के अंदर किसी के अंदर नहीं है इस कंसेप्ट के अंदर। देखे अभी जैसे व्हाइट लैंड भी 12 फीट तक की आपको जो सीलिंग हाइट है वो थी सर 12 फीट तक, इसमें 12.5 फीट तक की आपकी सीलिंग हाइट जिसमें बेनिफिट मिल जाता है काफ़ी अच्छा, आप कुछ भी अच्छी तरीके से उसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलकर इंट्रेंस फॉयर रहेगा कुछ इस तरीके का रहेगा, 6-8 फीट वाइड रहेगा इंट्रेंस फॉयर रहेगा आपका। उसके अंदर कुछ भी आप कुछ अलमीरा या कुछ न्यू डिजाइन आप कर सकते हो तुरंत एंट्रेंस से, इससे थोड़ा सा फ्लैट का लुक है वो थोड़ा सा अच्छा बनेगा आपका। उसके बाद आपका आता है पार्टी स्पेस। पार्टी स्पेस मीन्स कि आपको जो ये बैलकनी दिख रही है इधर, ये अच्छी खासी डेस्क है 7-8 फीट की ये डेस्क है। इसमें जो ये वाले जो डोर है ना, ज्यादातर आप लिविंग एरिया के अंदर डोर देखते हो अपना ऐसे खोल देते हैं, यहाँ पे ये जो डोर है ये दोनों साइड ऐसे पूरे सर्वाइव हो जाएंगे। और ये अगर आप कोई छोटी मोटी जो पार्टी कर रहे हैं, ये पार्टी एरिया भी आपके जो बैल्कनी का एरिया है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये एक पार्टी स्पेस है वो आपका क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है ड्राइविंग डाइनिंग एरिया इंक्लूडिंग विद वाइड बैल्कनी डेस्क के साथ, तो पार्टी एरिया है वो थोड़ा सा और बड़ा बनाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट और है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे अलग है और यूनिक भी है, हर फ्लैट के अंदर 2 मास्टर बेडरूम आपको प्रोवाइड होते हैं, जबकि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट है आपने देखा होगा 1 मास्टर बेडरूम आपको प्रोवाइड होता है, जिसमें मोस्टली फैमिलीज का ज़्यादातर इश्यूज देखने को मिलते हैं कि मास्टर बेडरूम में कौन रहे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 मास्टर बेडरूम रहेंगे, जिसमें भाई फैमिली मेंबर मास्टर बेडरूम में रहना चाहते हैं या तकरीबन हस्बैंड वाइफ भी ये सोचते कि हम भी मास्टर बेडरूम में रहे, तो वो सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, हर बेडरूम हर फ्लैट के अंदर 2-2 मास्टर बेडरूम क्रिएट कर दिए, जिसमें अलग से ही आपका ड्रेसिंग एरिया आपके वॉक इन एरिया वो अलग से ही रहते हैं। लमसम 12x17-18 तक के वहाँ पे इनके जो बर्थ वगैरह है वो रहने वाले हैं। उसके बाद है आपकी रैप राउंड बैल्कनी, यानी रैप राउंड बैल्कनी में क्या होता है कि राउंड आप बैल्कनी में कर सकते हैं, यानी वो एल शेप टाइप की बैल्कनीज होती हैं या यू शेप की बैल्कनी होती हैं। कुछ इस तरीके की डेस्क बैल्कनी आपको मिलेगी जिसमें आप अच्छे खासे फ्लावर्स वगैरह आप लगा सकते हैं, आप टेबल वगैरह सोफा वगैरह आप डाल सकते हैं, तो इस टाइप की हम रैप राउंड बैल्कनी बोलते हैं। उसके बाद बेडरूम यूटिलिटीज एरिया एक्चुअली यही नहीं है, ये एक डमी है, इससे प्रीमियम आएगा, यानी आप यहीं पे आपका इसके अंदर लॉन्ड्री का जो सिस्टम है आपका वो सारा का सारा यूटिलिटी बैल्कनी में प्रोवाइड होगा। पाउडर टॉयलेट है कुछ प्रीमियम टाइप का, आपको इस तरीके का डिजाइन मिलेगा। उसके बाद है एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो इस टाइप की एमिनिटीज आपको दिखती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइब्रेरीज है कोई पढ़ना चाहता है, सिनेमा के लिए स्पेस है। ये लैंडस्केप आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा,
यानी थोड़े अलग डिजाइन का इन्होंने लैंडस्केप यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे क्रिएट किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जीरो व्हीकल्स मूवमेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप मोस्टली इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर जिक्र करें स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आपको किचन सिक्योरिटी या और कई ऐसे सिस्टम यहाँ पे वो एक्टिविटीज किए जाएंगे, वो है लैंडस्केपिंग। कुछ ऐसे आपको जो ग्राउंड फ्लोर का जो व्यू रहेगा, जैसे क्लब हाउस या कमर्शियल वहाँ पे आएगा, उसके ऊपर का जो व्यू आपको है वो ऐसा प्रोवाइड होगा, लैंडस्केप, इसको बोलते हैं लस लैंडस्केपिंग, ठीक है। ये बहुत प्रीमियम आता है, इसके अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड होती है। आर्ट एंड कल्चर का भी इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट वो रखा गया है, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग आपको आर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस के लिए जिम, आपके स्पा प्रॉपर तरीके से इसके अंदर है, आपका योगा स्पेस के लिए अलग से स्पेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ब्लॉक ऑफ एरिया, जो टावर का जो ब्लॉक ऑफ एरिया होगा, जैसे गाड़ी बाहर से आई और यहीं से ब्लॉक ऑफ होके बेसमेंट या एग्जिट हो जाएंगे, यानी जीरो जहाँ पे पब्लिक की एक्टिविटी जो जॉगिंग वगैरह वहाँ पे आपका कोई कार का कोई व्हीकल्स का कोई नहीं रहेगा। बेसमेंट के अंदर भी आता है हाईवे का, और ऐसा आएगा पोडियम सिस्टम में, पोडियम क्या कि ऊपर ग्रीन एरिया रहेगा, नीचे कार पार्किंग दो भी एरिया नीचे रहेंगे, बेसमेंट में ही होगा ना। हाँ बेसमेंट के होगा। यहाँ पे तीन टाइप के साइज आते हैं, 4000 स्क्वायर फीट का आपका आइकॉनिक टावर का जो साइज है 4000 स्क्वायर फीट का आएगा, उसमें ये लमसम साइज है, एक्चुअल नहीं है, ये लमसम है एक्चुअल नहीं रहने वाले, ये 3BHK है, ये 4BHK है, ये फिर 4BHK है, यानी 3BHK का 2400 और 3BHK का 2300 और 4BHK का 4000 स्क्वायर का 4BHK, ये अलग अलग है, ऊपर नीचे होंगे, लमसम है। ग्राउंड फ्लोर पे जो रहेगा अलग से वो कुछ इस तरीके का और क्रिएट इन्होंने करके दिखाया कि हम इस तरीके का भी यहाँ पे, क्योंकि 5 एकड़ का ग्रीन एरिया है, तो 5 एकड़ के अंदर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पे दर्शाई जाने वाली है। ये कुछ इस तरीके का किड्स के लिए रहेगा, ब्लू पेंट फील्ड कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, किड्स के लिए ये चीजें रहेंगे, ठीक है, इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। ये आपका किड्स प्ले जोन इस तरीके का दिखेगा जो किड्स के लिए रहेगा। उसके बाद आपका किड्स प्ले में कुछ और ऐड कर दिया इन्होंने जो लर्निंग कर सकते हैं छोटे बच्चे उनके लिए, ये गार्डन्स रहेंगे इस टाइप के। उसके बाद अरोमा गार्डन्स आपका फोकस करते हैं इसका पेमेंट प्लान ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो ये समझ ले कि वो 3 से 4 हजार रुपए महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, उसके लिए फिर वो जो प्रीमियम है वो आज ही मिलता है, और उसके लिए जो जो उस टाइम खरीदेगा इस रेट पे वो बाद में एग्जिट हो सकता है, उसको बहुत लंबी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी पड़ेगी, तो ये बेनिफिट है उस एरिए का। और दूसरा है ग्लोबल सिटी के अंदर जो प्राइस जो आने वाले हैं वो 30,000 से लेके 40,000 रुपये तक के पर स्क्वायर फीट के रेट है वो आएंगे, क्योंकि अभी जो पर एकड़ का वहाँ पे जो लैंड एरिया है वो लमसम 60 CR टू 65 CR का रेट है ग्लोबल सिटी का। गज कितना हो गया सर एक एकड़? ठीक है, एक एकड़ में 4800 गज, तो इसके अंदर ये चीजें है ना वहाँ पे सर्कुलेट करेंगे जब ग्लोबल सिटी के रेट इतने हाई होंगे, लेकिन अब ये है कि कौन इस रेट तक रुकेगा वहाँ पे प्रॉपर्टी में, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्लोबल सिटी का फेस 1 2026 तक है वो डिलीवर होने की संभावना है जो 170 एकड़ की लैंड, तो ये रेट है पंपिंग करेंगे। और वहाँ पे 3-4 और जो डेवलपर है जो ग्लोबल सिटी के आसपास बसे हुए हैं और 170 स्टार्ट भी होने हैं नए रेट और नए फेस के अंदर, वहाँ पे जो रेट आएंगे उसके आसपास की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल जो ग्लोबल सिटी के साथ साथ अभी देखने को मिल जाएंगे 3 से 4 मिनट में, वहाँ पे जो रेट आएगा ना वो ट्रेड करेगा सॉफ्ट लॉन्चिंग का 20,000 से लेके 22,000 का पहला प्रोजेक्ट जो आएगा, उसके बाद एक प्रोजेक्ट और आएगा उसका ट्रेंड रहेगा, उसकी कोटिंग हो रही है ये 23 से 25 हजार रुपए की, फिर एक और है उसका लमसम 20 से 22 का, ये तीन ऐसे प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो इस रेट को और ज्यादा रेट हाई करेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर ग्लोबल सिटी के पास में, और ये अच्छे उस पे आने वाले हैं। तो ये रेट ऑलरेडी ये सॉफ्ट लॉन्चिंग के रेट है इतने होंगे,
और बहुत हाई रेट होने वाले हैं। तो या जो इन्वेस्टर है या कोई एंड यूजर है उसको सारी चीजें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उसको एप्रिसिएशन वहाँ मिलता है, उसको रहने के लिए जगह अच्छी मिलती है, कनेक्टिविटी अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, सारी चीजें तो वहाँ पे हैं, क्या नहीं, हर चीज चारों तरफ से एंटर होती है। बाकी तो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, किसी में भी दे दो, हम सभी तो करते हैं, कोई भी ले लो, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेंट्री, हर प्रोजेक्ट के अंदर रेट वगैरह सब कुछ होते हैं। बट वो होते हैं कि आप कस्टमर को बेस्ट क्या दे सकते हो, बेस्ट वाली चीज ही तो ये है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता, क्योंकि हम उस मार्केट से जुड़े हुए हैं। हर कोई हर खेल का खिलाड़ी नहीं होता, हर ये भी मार्केट है, मार्केट में आप रियल स्टेट में मास्टर हो, क्योंकि आप रियल स्टेट से 24 घंटे जुड़े हो, दूसरी फील्ड में नहीं हो, है ना, यानी दूसरी फील्ड के लिए दूसरा खिलाड़ी मिलेगा, इस खेल के लिए आप खिलाड़ी। तो रियल स्टेट एक मोटी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ कस्टमर का सबसे मोटा पैसा होता है इसी सेक्टर में। यही सेक्टर ऐसे सोच समझ अपनी आरएनडी के अकॉर्डिंग चीजें हैं, वो कस्टमर को सिर से मानना ना मानना वो उसकी। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू।